हम तो भगवान से यही प्रार्थना किया करते थे कि दोनों जहां भी रहें खुश रहें। हम तो लड़की को अपनाने के लिए तैयार थे साहब, ताकि अपने बेटे प्रदीप को फिर से एक बार गले लगा सकें। वो मेरा बड़ा बेटा था साहब, मेरा पहला बच्चा, उसका भी पहला बच्चा आने वाला था। प्रदीप का खास दोस्त इमरान, वो अभी तक हमें मिला नहीं। दोनों बचपन से साथ में पले बढ़े थे साहब। प्रल्ला जी, क्या आपके गांव में किसी को भनक लग गई थी कि आप प्रदीप और नाजिया दोनों यहाँ मुंबई में रहते हैं? हमको नहीं लगता साहब। हाँ, अगर आप ये कहेंगे कि ये सब किया धरा कासिम बेग का है तो हम मान लेंगे। कहे कि उस आदमी के सीने में दिल नहीं है साहब, नफरत का जल जला है। वैसे एक और परिवार आपके बेटे और आपके परिवार से नफरत करता था, विशंबर चौहान का परिवार, आशिमा का परिवार। शादी के मुहूर्त को 2 घंटे थे और आपके बेटे ने शादी करने से मना किया था, क्या ये बात सच है? मिल गई आप लोगों के कलेजे को ठंडक। हम दोनों के बच्चे मारे गए और उनका होने वाला बच्चा भी। जो लकीर उन्होंने पार की और जो रास्ता अख्तियार किया वो दोजख तक ही जाता है, और जो लकीर आपने पार की उसका रास्ता सीधे फांसी के फंदे तक जाता है, और उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी चाहे जैसे भी। कीमत तो हम चुका ही रहे, वो भी सूद समेत। जब से तुम्हारे बेटे की नापाक नजर हमारी बेटी पर पड़ी है तब से। इसमें कोई दो राय नहीं साहब, वो अगर हमें पहले मिले होते और पता होता कि कहाँ है तो ये कत्ल हमने किए होते। कत्ल तो तुम ही लोगों ने किया है। इमरान की लाश का है? हाथ नहीं लगा, अगर लगता ना तो वो भी मरता ला कसम। कासिम बेग और असलम बेग, बात को घुमाने से कोई फायदा नहीं, ये सिर्फ इतना बता दो प्रदीप और नाजिया को कैसे मारा और इमरान की लाश कहाँ है। नाजिया ने तो 1 साल पहले ही दम तोड़ दिया था अपना घर छोड़कर। रही बात उन दोनों की, तो बहुत अफसोस है कि वो दोनों हमारे हाथों नहीं कटे। कानून के हिसाब से नाजिया का मर्डर हुआ है, वो भी अभी 6 दिन पहले। किससे मरवाया? अगर मालूम पड़ जाता ना कि दोनों कहाँ हैं तो हम ही करवाते, लेकिन बदनसीबी हमारी कि हमने नहीं करवाया। शायद कुदरत का ही फैसला हो। हम कुदरत नहीं है कि 3-3 मर्डर हो जाए और उसे कुदरत का फैसला समझकर जाने दे। हम पुलिस वाले हैं, आरोपी को पकड़कर उसे अदालत तक लेकर जाना हमारा काम है। हत्यारे चाहे तुम हो या कोई और, बच नहीं सकता। हमने सुना है कि प्रदीप गुप्ता का कत्ल हो गया है, लेकिन आप हमारे बेटे अजय को क्यों उठा लाए हैं साहब? मुंबई पुलिस यहाँ पहुंचने वाली है, अजय से पूछताछ करना चाहती है। वही तो हम भी पूछना चाहते हैं साहब कि हमारे बेटे का इस कत्ल से क्या ताल्लुक है। वही तो मुंबई पुलिस जानना चाहती है विशंबर जी। देखिए साहब, बड़ी मुश्किल से हमारी बेटी आशिमा का ब्याह हुआ है, अब हमारे परिवार का उस गुप्ता परिवार से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना नहीं है तो घबराइए नहीं, सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया जाए। कासिम और असलम बेग के फोन रिकॉर्ड से ऐसा कुछ भी नहीं निकल रहा है जो इस बात की तरफ इशारा करे कि मुंबई में इन्होंने किसी को सुपारी दी थी। इस अजय चौहान के रिकॉर्ड्स में भी वही ढूंढ रही हूँ, मुंबई कनेक्शन कहीं मिल ही नहीं रहा है। इस इमरान बेग का फोन एक बार भी स्विच ऑन नहीं हुआ ना? नहीं हुआ सर, 1 अक्टूबर की रात को जो स्विच ऑफ हुआ अभी तक वही स्टेटस है। भाई ऐसा तो नहीं कि ये ट्रिपल मर्डर केस 4 मर्डर में बदल रहा हो? लेकिन सर, इस इमरान की डिटेल मुंबई के हर थाने में है, पर किसी ने भी ऐसी लाश नहीं देखी। अगर मर्डर हुआ है तो लाश भी तो होनी चाहिए ना। बैठ। साहब अब पूछने जैसा है क्या साहब? 3 शायद 4 मर्डर हुए, पर तू पूछ रहे कि पूछने जैसा है क्या? मतलब साहब हमसे पूछने जैसा क्या?
हमें बस इतना पता है कि हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती और नुकसान दोनों करने के बाद प्रदीप गुप्ता किसी मुसलमान लड़की के साथ भाग गया। तब हमें समझ में आया उस रात उसने वो ड्रामा क्यों किया था। हमें बहुत गुस्सा आया था साहब। पर तुमने अपने गुस्से पर काबू रखा और पूरे एक साल के बाद 1 अक्टूबर को अपने दिल की भड़ास निकाल दी। मुंबई में कत्ल कर दिया प्रदीप, नाजिया और उनके होने वाले बच्चे का। इमरान की लाश का है? झूठ नहीं बोलेंगे साहब। जिस रात उस प्रदीप ने हमारी बहन के साथ रिश्ता तोड़ा था ना, मन किया था कोई बंदूक बंदूक लेके 6 की 6 गोलियां साले के अंदर डाल दे। लेकिन सर हमने खुद पे काबू करा, बहन को जो संभालना था। 6 महीने बहुत मेहनत मशक्कत करके एक अच्छा लड़का ढूंढ के उसकी शादी कर दी, सेटल कर दिया साहब। उसके बाद तुमने प्रदीप को मार डाला। नहीं साहब, हमने प्रदीप को नहीं मारा। प्रदीप को मारकर हम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करेंगे। लेकिन जब उसकी मौत का मालूम पड़ा तो जरा भी बुरा नहीं लगा साहब। मैडम जी, कहीं आपको छुपा तो नहीं रही हैं हमारे बेटे इमरान के बारे में? रहमान जी, यही सवाल मैं आपसे करने आई हूँ। हम क्यों छुपाएंगे इमरान को? आपने खबर दी कि वो गुमशुदा है, तब से हम भी इंतजार में हैं, उस तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम जी, कहीं कासिम और असलम ने हमारे बेटे को क्या जरूरत थी इमरान को प्रदीप का साथ देने की, उसके साथ दोस्ती निभाने की? आखिरी बार कब आया था मुंबई से? करीब 2 महीने पहले आया था, तब भी कासिम और असलम ने उसे धमकाया था। इमरान, बाहर निकल। वो दोनों मुंबई में है ना? लोग कितनी बार एक ही बात पूछेंगे, हम कह तो चुके हमें नहीं मालूम। लेकिन हमें मालूम है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी मदद के बिना प्रदीप मुंबई में मच्छर तक नहीं मार सकता है। क्योंकि हमारे जितने भी लोग मुंबई में हैं, वो तो उन्हें पनाह देंगे नहीं, सिर्फ एक गद्दार के सिवाय जो कि तू है। अभी भी वक्त है, बता दे दोनों कहाँ हैं। अब बस भी करो कासिम मियां, इमरान बार बार कह चुका है कि वो उन दोनों के बारे में नहीं जानता है, फिर क्यों परेशान कर रहे हो उसे? इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि झूठ बोल रहा है। देख इमरान, उन दोनों को तो हम ढूंढ ही लेंगे और मुंह भी खुलवा लेंगे, और उनके मुंह से सिर्फ एक इनाम आएगा, वो है तेरा। और फिर रहमान मियां, 4 लोगों का इंतजाम कर लेना इसके जनाजे के लिए, क्योंकि गांव का तो कोई आदमी आएगा नहीं इसे दफनाने। बेटा इमरान, तू प्रदीप और नाजिया के बारे में जानता है? नहीं। अब उसको पता था, कुछ तो पता था, उसकी जुबान ना कह रही थी लेकिन आंखें कुछ और। रहमान जी, क्या इमरान ने किसी और को भी बताया होगा कि प्रदीप और नाजिया कहाँ है? हमें नहीं मालूम। इमरान को कब मिली? मैं कहाँ मिली? मैंने तो सिर्फ उसे देखा था। कब देखा था उसे? बताया तो था आपको मैडम, वो नाजिया के घर आया था, यही कोई 4-1 महीने पहले। 4 महीने पहले? हाँ मैडम, अब पक्की तारीख तो मुझे याद नहीं, पर उसी के आसपास आया था। इमरान जब यहाँ आया था 2 महीने पहले अगस्त में, तब वो नाला सोपारा में प्रदीप और नाजिया के बराबर टच में था। तो मतलब इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इमरान को सब कुछ मालूम था, उसने ही उन्हें भागने में मदद की और मुंबई सेटल होने में भी। ऐसा भी तो हो सकता है कि कासिम या असलम ने किसी को इमरान के पीछे भेज दिया हो ये पता करने के लिए कि प्रदीप और नाजिया रहते कहाँ है, और उसके बाद तीनों को मतलब 4 को मार डाला हो। सर, अगर इस तरह से सुपारी दी गई हो या ये असलम और कासिम दोनों खुद मुंबई गए हो तो उनके फोन रिकॉर्ड से कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट जरूर होता सर, पर रिकॉर्ड्स में तो ऐसा कुछ भी शो नहीं कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रदीप के घर वालों को भनक लग गई हो। सरपंच जी, इनायत भाई, हमें जो पुलिस को कहना था हमने कह दिया है। नाजिया और प्रदीप का खून हमने नहीं किया है, और अगर पुलिस के पास कोई सबूत है तो ले आइए, चढ़ा दीजिए फांसी पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस को सबूत इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि सबूत मिटा दिए गए? देखो कासिम, 1 साल पहले जब वो दोनों भागे थे तो ये उनकी गलती थी, फिर दोनों ने शादी कर ली, घर बसा लिया, जवान जोड़ा था जो इस दुनिया में एक मासूम को लेकर आ रहा था, उसका इस बेरहमी से कत्ल। ये सिर्फ कानून की नज़र में गुनाह नहीं है, अल्लाह मियाँ की नज़र में भी गुनाह ही है। मैं फिर से तुम दोनों को समझा रहा हूँ कि अगर ये काम तुम दोनों ने किया है तो खुद को पुलिस के हवाले कर दो। हम कोई काम छुप कर नहीं करते, अगर हमने किया होता तो छाती ठोक कर कहते कि हाँ हमने किया है, लेकिन जब किया ही नहीं है तो फिर खामखा इस इल्जाम को अपने सर पर क्यों लें?
नाजिया बेटी थी हमारी, उसकी हरकत की वजह से उसे मरा हुआ समझ लेना और हकीकत में उसे मरा हुआ देखना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उसे मार डाला गया, उसके पेट में हमारा नवासा या नवासी थी, ये बात मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। अगर हमें पता होता कि उन्होंने शादी कर ली है, घर बसा लिया है, हमारा पोता या पोती आने वाली है, तो उन्हें माफ करके हम घर वापस ला सकते थे, पंचायत और बिरादरियों के साथ समझौता करवा सकते थे। लेकिन पता होता तब ना माँ, पता होता तब ना। हमने भीमरान से कई बार पूछा साहब, लेकिन उसने कभी कुछ बताया नहीं। वो जब भी गांव आता था तो अर्जुन उसके घर जाता था पूछने के लिए, लेकिन उसने कभी मुंह नहीं खोला। तुम्हें कभी शक नहीं हुआ कि इमरान तुमसे झूठ बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है? शक तो होता था साहब, लेकिन क्या करते। लेकिन आज जब पता चला कि उसे सब कुछ मालूम था तो बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं उसके मुंह पे क्यों ताला लगा था। आसिम और असलम अपनी बात पर अड़े हैं जनाब। सच कहूं तो हमें नहीं लगता कि उन्होंने ये करवाया हो। पर कासिम और असलम ने साफ कहा है, अगर उन्हें एड्रेस का पता चलता तो वो दोनों को बेझिझक मार डालते और इमरान को भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने इमरान का पीछा करवाया हो? अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो इसकी सच्चाई के बारे में आपको कासिम और असलम ही बता सकते हैं, या फिर इमरान बता सकता था, लेकिन वो तो कई दिनों से दिखा नहीं है, पता नहीं कहाँ है। प्रदीप और नाजिया किन हालात में गांव से भागे और किस तरह मुंबई में रहे, ये पुलिस के लिए बिल्कुल स्पष्ट था। लेकिन उनकी गुप्त बेनाम सी जिंदगी का पता किसे चला, कैसे चला और कत्ल कैसे हुए, ये एक बड़ा सवाल था पुलिस के सामने। साथ ही इमरान बेग भी समझो हवा हो गया था। लेकिन बेनिया गांव में एक और शख्स भी था जो काफी अरसे से किसी को दिखा नहीं था। मैडम जी, कासिम और असलम बेग का खूब पीछा किया, दोनों की सारी हिस्ट्री खोद निकाली। कोई काम की इन्फॉर्मेशन मिली? एक बंदा है नसीम बेग, कासिम बेग के चचेरे भाई का लड़का है, यहीं रहता है। उसी ने प्रदीप और नाजिया को सबसे पहले खेत में देखा था और बवाल मचाया था। ये नसीम कहाँ है? गायब है फिलहाल, कहाँ है ये पता नहीं चला मैडम, लेकिन इतना तो पक्का है कि भाई साहब कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप ही ने बोला था ना मैडम जी कि कासिम और असलम ने किसी को इमरान के पीछे लगाया है, शायद ये नसीम हो। नसीम बेग सर, ये जो दो मजहब हैं इनके बीच के मामले काफ़ी पेचीदा होते हैं। एक साल पहले जो टेंशन थोड़ा कम हुआ था फिर उबलने लगा है। बहुत सेंसिटिव मामला है सर, मल्टीपल मर्डर केस है, सबसे संगीन जुर्म हुआ है, तो मामला सेंसिटिव हो या जो भी हो इन्वेस्टिगेशन ना ही रुकेगी ना ही ढीली पड़ेगी। हर कौम के अपने कायदे कानून होते हैं, पर इस देश का सबसे बड़ा कानून है संविधान, और संविधान हर बालिक नागरिक को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का अधिकार देता है, पर किसी की जान लेने का अधिकार किसी को नहीं। सर, इस नसीम बेग को पकड़ने का एक ही तरीका हो सकता है, पता नहीं कितना काम आएगा। वो क्या? ये नसीम बेग का नंबर है, इस वक्त वो दिल्ली में। वो वाकई दिल्ली में है? ये नंबर फर्जी तो नहीं? देखिए, इस वक्त ये फोन बंद है, लेकिन ये नंबर मैंने उसके माँ बाप से लिया और मुझसे वो लोग झूठ बोलेंगे नहीं। पिछले 6 महीने से वो दिल्ली में नौकरी कर रहा है। उस्मान जी सरपंच हैं यहाँ, गांव में सब आपको जानते हैं, तो आपको नहीं लगता ये दोनों कत्ल कासिम ने ही करवाए होंगे? देखिए, पंचायत में भी काफी सख्ती से हमने उससे पूछताछ की है और वो इस कत्ल से इनकार कर रहा है। हाँ, उसके अंदर गुस्सा है, अब भी है, बेटी ने जो किया वो किया, पर वो जब कह रहा है कि उसने ऐसा नहीं किया और उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। आपको नसीम के बारे में जानकारी चाहिए थी जो मैंने आपको मुहैया करवा दी, अब आगे आपको उसे कहाँ ढूंढना है, क्या करना है, क्या पूछना है, वो क्या जवाब देगा, ये आप जाने। सर, नसीम का नंबर पिछले 1 महीने से बंद है। कोई बात नहीं, नंबर तो है हमारे हाथ में, इस नंबर की डिटेल निकालो। इस नसीम बेग के नंबर में कई कॉल्स ऐसे हैं जिनसे इसकी बात हो रही थी 1 महीने पहले तक। सर, सारे स्कैन करते हैं, थोड़ा वक्त लगेगा पर निकलेगा जरूर, पक्का कुछ निकलेगा।
सलाम साहब, एक स्टेट एजेंट क्या काम करता है वो? घर वर दिखाता है पार्टियों को? अभी थोड़ी देर पहले ही निकला है घर से ऑफिस के लिए। एस्टेट एजेंट के ऑफिस लेकर चल। जी नसीम बेग। जी मैं नसीम। यार तू फोन नंबर बहुत बदलता है, कौन हो तुम लोग? तेरी श्यामा। आप लोग गलत समझे, ये हमारा नंबर हमारे सेठ ने दिया है, तो हम दो दो बिल काहे भर रहे हैं? मसला दो दो फोन बिल का नहीं है, तीन तीन मर्डर का है, शायद चार, जिसका बिल तेरे पर पटा है। समझ नहीं आ रहा है साहब। लोमड़ी देखने खेत में गया था ना, ये खुद लोमड़ी बनकर चुपचाप नाला सो पर आया, प्रदीप नाजिया और उसके होने वाले बच्चे को निगल गया। एक बात बता, इमरान को कहां दफनाया तूने? साहब आप क्या बोल रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपके लोग जबरदस्ती हमें दिल्ली से उठाकर यहां लाए हैं, और दिल्ली में साहब को साफ साफ कह दिया था हमने कि हम 6 महीने से यही हैं, हम गांव तक नहीं गए, और हमें तो पता भी नहीं कि प्रदीप और नाजिया कत्ल हुआ है। अब तेरे साथ यहां जो कुछ भी होगा ना, वो भी किसी को पता नहीं चलेगा, सिवाय तेरे टूटी हड्डियों के जो जिंदगी भर याद रखेंगे। देखो साहब, अगर आपने तय कर लिया है ना कि हमने कत्ल किया है, तो अब हमारी एक ना सुनोगे, तो क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? आपने हमें पकड़ तो लिया है ना, तो ये मारपीट साइड में रखो और सीधा ठोक दो 3 कत्ल का इंजाम हमारे पे, वो इमरान को भी जोड़ दो इसमें। कासिम बेग हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, उनका केस संभाल देते हैं हम। अब फूटी किस्मत हमारी जो नजर पड़ गई नाजिया प्रदीप पर, फर्श साधो बता दिया, तब सबकी तरह हमारा भी पारा चढ़ा था साहब। फिर 2 महीने बाद जब दोनों भाग लिए, तो हमने कहा हमारी बला से, हमें और कोई काम नजर नहीं है क्या? और हमें ना कासिम चाचा से कोई खास मोहब्बत है, ना नाजिया प्रदीप से खास नफरत, हमें बस हमारी रोटी कमानी है साहब। अब तू हमें साफ साफ ये बता, इमरान का कितने दिन पीछा किया तूने? मर्डर के वक्त कितने लोग थे? इमरान को कहाँ दफनाया तुम लोगों ने? कासिम और असलम ने तुझे इस काम के लिए कितने पैसे दिए, और तूने अपनी टीम को कितने पैसे दिए? अरे साहब और कोई सवाल है तो वो भी लिख कर दे दो, हम सब झूठ झूठ लिखते रह जाते हैं आपके लिए। हीरो मत बन, बकरी नहीं है लोमड़ी है, लोमड़ी जो बकरी के भैंस में घूम रहा है। ये लोमड़ी ने तो जीना हराम कर दिया हमारा, हमने तो लोमड़ी देखी भी नहीं थी, वो इमरान के बच्चे ने देखी। लोमड़ी इमरान ने देखी थी, क्या मतलब है? मतलब वही है साहब, इमरान ने लोमड़ी देखी थी। क्या बात है बे? कासिम चाचा खेत में लोमड़ी घुस गई है। तुम्हें कैसे पता? अरे हम अपनी आंखों से देख के आ रहे, वहां से निकल रहे थे हम। क्या बोल रहे बे? जल्दी करो नहीं तो पूरी फसल की ऐसी तैसी कर देगी। लोमड़ी तो देखी नहीं, पर हाँ उस दिन नाजिया प्रदीप हमें दिख गए। एक वो दिन था और एक ये दिन है कि आप हमें कातिल समझ रहे। सरोज शानबाग, जिस लोमड़ी को हम लोग ढूंढ रहे, कहीं वो इमरान ही तो नहीं? बालवाड़ी से दोस्ती थी सर प्रदीप और इमरान की। हो सकता है कासिम और असलम ने इस इमरान को बहला फुसलाकर सुपारी दी होगी इस जोड़े को खत्म करने की। सर इमरान के पेरेंट्स का साफ कहना है कि कासिम और असलम ने इमरान को जान से मारने की धमकी दी थी, वो क्यों सुपारी ले गए इन दोनों के लिए? सरोज हो सकता है कि ये सब के सब आपस में मिले हो और हमसे झूठ बोल रहे हो, और ये सब के सब मिलके हम लोगों को झूठों के खेत में गोल गोल घुमा रहे हो। तुम दोनों के पॉइंट में वजन तो है, लेकिन एक बात मुझे खटक रही है सर। नसीम ने कहा इमरान ने लोमड़ी देखी और उसे खेतों में भेजा, और उसने ये भी कहा ना उस दिन के बाद कभी कोई एक्चुअल लोमड़ी पकड़ेगी खेतों में। पर प्रदीप और नाजिया ये दोनों जरूर पकड़ गए, और उसके बाद इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया सर। मतलब इमरान ने झूठ बोला था ताकि प्रदीप और नाजिया पकड़े जाए। मुझे नहीं लगता कि इमरान का कत्ल हुआ है, वो कहीं छुप कर बैठा है लोमड़ी की तरह। ऐसा भी तो हो सकता है कि कासिम और असलम की धमकियों से डरकर इसने इन दोनों को मार डाला हो। और इमरान के माँ बाप भी इमरान की तरह एक्टिंग में माहिर होंगे सर, मासूम और ईमानदार बनने का ढोंग कर रहे होंगे। शायद वो जानते हैं कि इस वक्त इमरान कहाँ है, और शायद ये इमरान है इस पूरे कांड की जड़ है सर। हम बस इतना जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है। हेलो, सर
रहमान के सेल फोन पर रोज यहां से कॉल आता है, सुकानपुर के एक लैंडलाइन से। सुकानपुर, बेनिया से सुकानपुर 105 किलोमीटर दूर है। सही है, सुकानपुर से कॉल्स 5 अक्टूबर से आनी शुरू हुई। मुझे लगता है ये इमरान ही कॉल करता होगा, शायद ये सुकानपुर में छुप कर बैठा है। पिंटू मियां, ये है बंदा, नाम इमरान बेग है, आपके सुकानपुर में छिपा ये। लियाकत भाई आप फिक्र ना करें, अगर ये यहाँ छिपा है तो इसे जरूर ढूंढ निकालें। कासिम भाई, नसीम का फोन आया था, वो उसे उठाकर लेकर गए। उन्हें पता चला है कि इमरान सुकानपुर गांव में छिपा हुआ है। क्या लगा तुझे, तेरे ऊपर शक की सुई कभी नहीं टिकेगी? समझे नहीं साहब। चल बेनिया के खेतों में लोमड़ी ढूंढते हैं, अपने आप तुझे सब समझ में आ जाएगा। चल जनाब, मासूम है वो, डरा हुआ था। उसे डर था कि प्रदीप और नाजिया के साथ जो हुआ वो उसके साथ भी होगा, इसलिए छुपकर बैठा था वो। इतनी धमकियां मिली थी उसे कि उसे लगा कि कासिम और असलम उसका गला काट डालेंगे। तो कासिम और असलम के ख्वाब से चुप बैठे थे आप दोनों। जब मुंबई से पुलिस यहाँ आई थी, हम सब इतनी बार पूछ रहे थे, तब भी मुंह नहीं खोला आप लोगों ने। बेटे से रोज रात को बात करते थे, अब वही अपना मुंह खोलेगा। हम बहुत डर गए थे, हमें लगा जैसे नाजिया और प्रदीप को उन्होंने मारा ना, हमको भी मार देंगे, अगला नंबर हमारा ही। तो तू डरा हुआ था। हाँ। तुझे कब पता चला कि तेरा जिगरी दोस्त प्रदीप और उसकी बीवी आरती, मतलब नाजिया, इनको मार डाला है? एक अक्टूबर की रात को हमें नाजिया ने खाने पे बुलाया था, हम वहाँ पहुँचे तो ये दोनों मरे पड़े थे, हम डर गए और वहाँ से भाग लिए। तो तू नाला सोपारा से भागकर सुकानपुर गए और अपने अम्मी अब्बू को बता दिया कि ये हो गया, बराबर? हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू रोज घर वालों को फोन कर ये पता करता था कि पुलिस वाले कहाँ तक पहुँचे हैं, कासिम और असलम पकड़े गए या नहीं? नहीं साहब, हम जबरदस्त डर गए थे, हम नहीं चाहते थे हमारे घर वालों को टेंशन हो, और हम रोज फोन इसलिए करते थे ताकि उनको ऐसा ना लगे कि हम गलत हैं। कासिम के खेत में कोई लोमड़ी नहीं थी, प्रदीप और नाजिया के जिंदगी में एक धोखेबाज लोमड़ी थी जो तू था, तूने जानबूझकर उन दोनों को पकड़वाया था। सही जा रहा हूं ना मैं? बोल लोमड़ी बोल। अरे हद है यार, इतना टाइम लगाता है कोई? अरे तुम लड़कों का सही है, ऐसे ही आ जाते हो। अरे हमें तो पूरी स्टोरी बनानी पड़ती है ना, हमारा तो ऐसा नहीं होता है ना, कोई भी बहाना देने के पहले उसके आगे और पीछे की कहानी तैयार रखनी पड़ती है। अच्छा तो इतनी दूर से काहे लेक्चर दे रही हो, पास से भी सुन सकते हैं हम। हाँ हाँ, पास से क्या क्या होता है ना सब पता हमें, बदमाश। अच्छा छोड़ो, कहाँ जा रही है, अभी कोई नहीं है। उन्हें क्यों पकड़वाया इमरान? एक अक्टूबर की रात को उनके घर पर खाना खाने के लिए गया था तो तेरे लिए दरवाजा अंदर से किसने खोला था? लोमड़ी ने। और जाते वक्त दरवाजा बंद किसने किया था? लोमड़ी ने। इमरान बेग ने जो खुलासा किया इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था, ना बेनिया गांव में, ना प्रदीप के घर में, और ना ही नाजिया के घर में। जो कुछ हलचल मची थी वो सिर्फ इमरान के दिलो दिमाग से होती हुई निकली थी, और उसके सामने भी अचानक से खुलासा हुआ था।
काम करो ना भाई, तुम मुरादाबाद से हमारे लिए मस्त एक स्मार्टफोन ले आओ, तब तक के लिए तुम्हारा ये फोन हमारा। हाँ तो ठीक है, हमारे पास वो दूसरा वाला फोन है ना, वो इस्तेमाल कर लेंगे हम, तब तक तुम ये आराम से यूज करो, उसका जब तुम्हारा नया फोन आ जाए तो हमको वापस कर देना। हाँ ये ठीक रहेगा, हम बस इतना जानते कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है। कैसे सही है? नहीं नहीं तुम हमें बताओ ना कैसे सही है। एक लड़की के अरमानों पर पानी फेर रहे हो, एक बाप की इज्जत उछाल रहे हो, इतने सारे पैसे बर्बाद कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि ये सही है। अरे अगर शादी नहीं करनी थी तो यहाँ तक बात खींची क्यों? अरे अब बोलोगे क्या सोच रहे हो, क्या करना चाह रहे हो? प्रदीप हमारा बचपन का दोस्त था, लेकिन उसने कभी खुद से हमें नहीं बताया कि वो सारी नौटंकी सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसका नाजिया के साथ चक्कर चल रहा था। हमें ये बात खुद से मालूम पड़ी। जो फोन हमने प्रदीप को दिया था उसमें हमने एक रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा था, उससे हमें प्रदीप और नाजिया की सारी बातें सुनने मिली। प्रदीप पागल हो गए हो क्या? क्या कह रहे हो? तुम्हारी हमारी जिंदगी मजाक लगती है क्या? अरे नहीं नहीं नाजिया, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अरे भरोसा रखो हम पर। भरोसा करे तुम पे? कल तुम्हारी शादी है प्रदीप, पूरा गांव जानता है और दावत खाने के लिए तैयार हो रहा है। आज तुम्हारे घर से होते हुए गुजरे, शादी की तैयारियां देख के रोना आ गया हमें। प्रदीप तुम हमारे साथ बहुत बड़ा गेम खेल रहे हो, धोखा दे रहे हो हमें। तुम बस कल देखना कि हम क्या करने जा रहे हैं। कल कुछ ऐसा करेंगे ना कि ये शादी होगी नहीं। और तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि थोड़े दिनों बाद हमारी शादी होगी, तुम्हारी और मेरी। ये कोई फिल्म नहीं है प्रदीप, ये हमारी जिंदगी है, असली जिंदगी। देखो तुम एक बात याद रखना, उस आश्मा की डोली उठने से पहले यहाँ हमारा जनाजा उठेगा। बकवास ना करो नाजिया, तुम शादी की डेट कल की है मगर ये शादी होने ही नहीं वाली है। और इतना समझ लो नाजिया, हमारा प्लान पक्का है, शादी तो तुमसे ही होगी क्योंकि प्यार भी तुमसे ही है। हम उस रात प्रदीप को पूछते रहे, जब प्रदीप ने वो घर की बेहुदा मांग की थी। हमें मालूम था कि माजरा कुछ और ही है पर उसने हमें कभी बताया नहीं, और दोनों जो सोच रहे थे कभी नहीं हो सकता था, हमारे गांव में आज तक नहीं हुआ। हमें मालूम था, जिस दिन ये बात सबको मालूम पड़ी ना खून की नदियां बह जाएंगी, इसीलिए इन दोनों का रिश्ता तोड़ने की कोशिश की हमने, इसीलिए वो लोमड़ी वाला किस्सा बना और नसीम को खेत में भेजा। फिर भी उनकी शादी तो हुई। हाँ हुई, लेकिन उनकी शादी में या उनके भागने में हमारा हाथ नहीं था। फिर भी इल्जाम तो हम ही पे आया, पूरी बिरादरी की उंगलियां उठी हम पर, जान भरी धमकियां मिली हमें। इमरान नाजिया को कहां लेकर भागा है वो? प्रदीप देख बता दे वरना तू भी कटेगा, कह देते हैं। प्रदीप ने जो कांड किया सो किया, लेकिन सब कर कराने के बाद हमारे पास क्यों आया? हमारी जिंदगी तो अलग चल रही थी ना, हम नहीं गए उसके पास, वो सामने से हमारे पास आए। अरे प्रदीप तुम यहाँ मुंबई में? गांव में किसी को बताओगे तो नहीं? इमरान बिना कुछ किए इतने बदनाम हो चुके। नाजिया के अब्बा का फोन आया था हमें, सारी बिरादरी वाले हमें गद्दार समझते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि तुम दोनों को भागने में हमने मदद की है, जान भरी धमकियां मिल रही हमें, इन सब के बाद भी तुम्हें हमारी दोस्ती पे शक है? यार इमरान क्या तुम मिल सकते हो हमसे? कोई मददगार ही नहीं है, पिछले 3 महीने से मुंबई में छुप छुप के डर डर के जी रहे हैं, आज बड़ी हिम्मत करके तुम्हें फोन किया है यार। सलाम वालेकुम भाईजान। हमें भी अब तो नया काम मिल गया, यहीं पास ही एक फैक्ट्री में, और नाजिया ने भी अपना नया नाम रख लिया, आरती। और भाईजान हमने शादी कर ली। ठीक है, उन्होंने भाग के शादी कर ली, ठीक है, नाजिया आरती बन गई, लेकिन वो लोग हमारे जख्मों पे नमक क्यों रगड़ रहे थे? सलाम वालेकुम भाईजान। सलाम वालेकुम भाईजान। प्रदीप और नाजिया हमारे और करीब आ रहे थे मदद की उम्मीद से, क्योंकि हम प्रदीप के बचपन के दोस्त और नाजिया के दूर के रिश्तेदार, और वहाँ नाजिया के घर वाले को फोन पे धमकी दे रहे थे। हम तो धोबी के कुत्ते हो गए ना साहब। एक खुशखबरी है इमरान, जो हम और नाजिया तुम्हें देना चाहते हैं।
भाईजान आप मामूजान बनने वाले हैं। अरे हम बाप बनने वाले हैं बे। अब ऐसे क्या बैठा हुआ है? मुबारक मुबारक बोलोगे कि नहीं? हम मुबारक मुबारक नाजिया मुबारक। शुक्रिया भाईजान। हम और प्रदीप सोच रहे थे कि एक बार बच्चा दुनिया में आ जाने के बाद इंशाल्लाह हम अपने परिवार वालों को इत्तला कर देंगे, उनसे सुलह करने की कोशिश करेंगे। शायद बच्चे का मुंह देखकर उनका गुस्सा पिघल जाए। यार इमरान, हमारे घर वालों से सुलह हम दोनों अकेले नहीं कर पाएंगे, इसलिए नाजिया को हमें और हमारे बच्चे को तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ेगी। इमरान नहीं, मतलब कर करा के भी हम क्या कर लेंगे? आज तक गांव में कभी किसी हिंदू मुसलमान की शादी हुई है? पर हर एक चीज का एक पहली बार होता है ना यार, और अब तो जमाना भी कितना बदल गया है। भाईजान, और आपके अलावा हमारा और कोई है भी नहीं, अगर कोई कुछ कर सकता है तो सिर्फ आप। प्रदीप दोस्त नहीं था हमारा, हमारे पीठ में छुरा घूम के दिल चीर दिया था। थका पास कहीं का आजकल के लड़के यूं शर्माएंगे चुप रहेंगे तो क्या होगा हमारी नस्लों का? ए इमरान बोलना नाम। हमारे गांव की। गांव की? पर गांव की सब लड़कियों को जानते हैं हम। नहीं, अपनी शहनाज है, रूबीना है, नाजिया है। इमरान इमरान बोलना नाम, अब तंग ना कर अम्मी को। बता देंगे, एक बार उससे भी तो बात कर ले, उसकी मर्जी जान ले, उसके बाद आपको बता। अरे पर हमें तब तक के लिए आप खाना लगा दो, बहुत भूख लगी। पर इमरान इमरान सुन तो। तो ये थी असली वजह? सिर्फ ये वजह नहीं थी साहब। तो और क्या वजह थी? ये वजह तो थी ही साहब, हमारा दोस्त हमारे पैर को भगा ले गया। वो हमें भाईजान भाईजान बुलाने लगे, और उसके होने वाले बच्चों का मामू जान बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। दूसरी वजह क्या थी? वो चाहते थे कि हम उनकी सुलह करवा दें के घर वालों से। सब आप ही सोचिए, अगर सुलह हो भी जाती तो सबकी नजरों में तो हम ही रहते ना, सब हमें ही कहते कि ये गलत है। इसको सब मालूम था फिर भी इसने मदद की, झूठा है ये। और फिर कुछ वक्त बाद कासिम चाचा आके हम पे गुस्सा निकालते, मतलब हमारी जिंदगी तो तलवार की नोक पे अटक जाती ना। प्रदीप, तुम्हारा नाजिया के साथ चक्कर चल रहा है, फिर भी तुमने साशिमा को शादी के लिए मना नहीं किया, और इन सब के बारे में हमको कुछ नहीं पता। बात गई छोड़ो ना उस किस्से को। अब नाजिया के साथ हमारी लाइफ सेट है, और तुम्हें पता है आशिमा की भी शादी हो गई है ढंग से, सब खुश हैं यार। नहीं, सब तो खुश नहीं। मतलब तुम्हारा प्यार, तुम्हारी खुशी किसी और के प्यार और किसी और की खुशी की कब्र पे खड़ी है। किसकी कब्र पे? हमारी।
प्रदीप को पता था तो नाजिया को चाहता है, नाजिया को पता था, तुम्हारी अम्मी जानती थी कि तुम नाजिया से शादी करना चाहते हो, तेरे गांव में दोस्त रिश्तेदार कोई जानते थे कि तू नाजिया को चाहता है और उससे शादी करना चाहता है? बेवकूफ, कमीना इंसान है तू। आप नहीं समझेंगे, आप हमारी जगह नहीं, तेरे जगह कोई होना भी नहीं चाहिए। क्या मिला तुझे तीन तीन मर्डर करके? ना नाजिया मिली, ना वो जिंदगी जो कासिम और असलम से बचकर तू आराम से जी सकता था। जिंदगी भर जेल में सड़ना। पापा, वो प्रदीप का कातिल पकड़ा गया, उसका जिगरी दोस्त इमरान निकला, जो उस रात भी वहां था जब हम और आप वहां गए थे। और वो नाजिया बेग, ये वही लड़की थी ना जिसकी वजह से प्रदीप ने हमारी आशिमा से ब्याह करने से इनकार कर दिया था? हाँ पापा, ये वही लड़की है। किसकी किस्मत में क्या लिखा है ये किसने जाना है आज तक भला? फातिमा, हमारी बेटी का कत्ल इमरान ने किया। कमीना, ना अपनों का हुआ और ना अपने दोस्त का। मारा क्यों हमारी बेटी को? इमरान उससे शादी करना चाहता था, इसलिए उसने ये बखेड़ा खड़ा किया। हम गुस्सा थे, लेकिन अगर हमें पता होता कि नाजिया पेट से है तो हम उसे माफ कर देते। अब देर नहीं हो गई पछतावे के लिए। इमरान ने सुकानपुर से फोन पर अपने माँ बाप को अपने जुर्म के बारे में बता दिया था, पर बेटे के प्यार में पूरी तरह से बेसुध दोनों चुप बैठे रहे। प्रदीप का परिवार अब भी ये यकीन नहीं कर पा रहा है कि प्रदीप का सबसे करीबी दोस्त, जिसके साथ प्रदीप हर चीज और हर राज बांटता था, वही उसकी पत्नी और उनके होने वाले बच्चे का कातिल निकला। इमरान को आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर के लिए और आईपीसी की धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। इस केस का गुनहगार हद से ज्यादा बेसुध था। उसका प्यार पूरी तरह से एकतरफा था और उसका डर पूरी तरह से बेबुनियाद। नाजिया को मारकर इमरान को क्या खुशी मिली? सिर्फ यही कि वो किसी और की नहीं हो सकेगी। अपने जिगरी दोस्त का कत्ल करके इमरान को क्या मिला, जिसे वो दगाबाज समझ बैठा था, जो कि पूरी तरह से गलत था। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।